प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के पूरे किताब से 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो कल के पेपर में सीधा से छपने वाला है। और बच्चों, मैं बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, समुन्दर मंथन करने के बाद मैं यहाँ पे लेकर गया हूँ। और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आय का अनुमान, व्यय का अनुमान, आय और व्यय का अनुमान या सभी। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, आय और व्यय का अनुमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि डाकघर सावधि खाते में धनराशि जमा की जाती है गुणांक में, मैंने 500 के, 50 के या 100 के या सभी के। तो बच्चों समझो, डाकघर सावधि खाते में जो धनराशि जमा की जाती है वो 50 गुणांक में जमा की जाती है, ठीक ना। हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार कर लो, कल के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे समझते हैं कि मीट्रिक प्रणाली में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम या मिलीग्राम। तो बच्चों समझो कि मीट्रिक प्रणाली में तौल की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई बोला जाता है बच्चों एमएम होता है, मिलीग्राम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा बच्चों, समुद्र मंथन करके लाया हूँ, सभी क्वेश्चन को घोल करके पी लो, कल के पेपर में गर्ता करके उड़ा देना, ठीक ना। आइए अगले हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शीशे की खिड़कियों को साफ करना चाहिए स्प्रिट से, राख से, सिरका से या नमक से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सिरका से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि फूलों की टहनी को हमेशा काटना चाहिए बराबर करके, तिरछा करके या नीचा करके या कभी नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों देखो, फूलों की टहनी को हम हमेशा तिरछा करके काटेंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कल के पेपर में जब सीधा से छपेगा ना तो भैया मन में लॉटरी फूटेगा कि सर हमने अच्छा किया जो इस पे वीडियो बना दिया, और बहुत अच्छा किया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध जल से होने वाला कौन सा रोग होता है, पीलिया, पेचिस, हैजा या सभी। तो बच्चों देखो, अशुद्ध जल के सेवन से पीलिया भी हो सकता है, पेचिस भी हो सकता है और हैजा भी हो सकता है, ठीक ना। सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को किस किस उम्र में दी जाती है, 3 महीने में, 5 और 7 महीने पर या 18 से लेकर 24 महीने पर या तीनों सही है। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान मेरी बात को सुनना, क्या मैं बोल रहा हूँ कि शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की परसेंट कितनी होती है। बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 78%। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। तो बच्चों देखो, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ठीक है, NO2 हो जाएगा या N2 हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बच्चों देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों की वजह से होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्रों की फिटिंग आती है स्कंद विधि के द्वारा, चेस्ट विधि के द्वारा, डायरेक्ट नाप के द्वारा या तीनों में से कोई नहीं। तो बच्चों समझो कि यहाँ पे वस्त्रों की फिटिंग किस माध्यम से आती है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सबसे हम बात करेंगे चेस्ट विधि के माध्यम से, क्या हो जाएगा, चेस्ट विधि के माध्यम से, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि फ्रिज का प्रयोग करते हैं सजावट के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या फैशन के लिए। तो बच्चों फ्रिज का हम यूज क्यों करते हैं, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि पानी में घुलनशील लवण कौन सा है, फास्फोरस, सोडियम व पोटेशियम या कैल्शियम या सभी। तो बच्चों यहाँ पे बताना है पानी में घुलनशील लवण क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फास्फोरस भी होगा, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा और कैल्शियम भी हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, क्या हो जाएगा बच्चों, जल में बोल रहे हैं ना, तो जल में क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन आप सभी को पूरा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, सामान्य रोगी को शरीर भार के अनुसार प्रति किलोग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 80 कैलोरी या 1000 कैलोरी, क्या हो जाएगा बच्चा, 1000 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि शरीर में बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल, अंत कंकाल, अस्थि कंकाल या सभी, क्या हो जाएगा बच्चों, वाई कंकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्र बाहु की अस्थिभंग के उपचार में बाहों के किस कोण पर रखते हैं, बाहों को किस एंगल पर रखते हैं भैया, 45 पे, 90 पे, या 120 पे, या 180 पे। तो भैया हमेशा रिज कोण पर रखते हैं, हमेशा एकदम 180 डिग्री एंगल पर रखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय या त्वचा। क्या हो जाए बच्चों, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर पूछा जा चुका है। फुफ्फुस हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन को याद रखना। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है, 1:2, 1:4, 1:6 या 1:8। क्या हो जाए बच्चों, श्वास गति व नाड़ी गति में, देखो एक बार देखो ध्यान समझो, एक मिनट में एक इंसान, एक मिनट में जो हम सांस लेते हैं ना, एक मिनट में हम 16 से लेकर 17 बार सांस लेते हैं, और वहीं अगर बात करेंगे नाड़ी की स्पीड कम से कम 70 से लेकर 72 बार धड़कता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर लगभग में, तो क्या हो जाएगा 1:4 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है, 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या 70 से 80। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 से लेकर 14 वर्ष की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितना होता है बच्चा, ये हो जाएगा 80 से लेकर 90 तक। क्या हो जाएगा बच्चों, 80 से लेकर 90 तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 14 वर्ष के बाद जाने पर क्या हो जाएगा, 70 से 80 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सत्य हो जाएगा। ओके चलिए अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि पारा पानी से कितना गुना भारी होता है, पारा पानी से कितना गुना भारी होता है बच्चा, 5 गुना, 9.5 गुना, 1 से 1 गुना या 13.5 गुना। ये हो जाएगा बच्चों 13.5 गुना, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, सॉरी हमारा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।